दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर विधानसभा के शुक्रताल गांव में। यहाँ पर ये जो लोग हैं इनसे हम बात करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या हो रहा है, क्या योगी जी फिर से सरकार बना लेंगे या इस बार गठबंधन की सरकार आएगी, क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टफ है गठबंधन वर्सेस योगी सरकार। तो क्या योगी सरकार जो पिछले साल का उनका जो कामकाज रहा उनके कामकाज से लोग खुश हैं या इस बार उनको हटाने के मूड बना लिए हैं? सर क्या कहेंगे आप? महिला फर्श से बात करना चाहूँगा। योगी जी को कैसे देखते हैं आप? 5 साल के उनके कामकाज को कैसे इवेल्युएट करती हैं? योगी जी बाबा जी हैं, उनको मठ में रहना चाहिए। वो बाबा जी कोई देश थोड़ी चला सकते हैं। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी साधु संतों का काम होता है कि साधु संत समाज में जो है सामंजस्य बिठा के रखें, लेकिन बाबा जी का काम तो जोड़ तोड़ करने का है। बाबा जी ने आज तक सिवाय हिंदू मुस्लिम के कोई दूसरी बात नहीं की है। तो आपको क्या लगता है कि बाबा जी लेकिन ये भी तो है ना, वो लोग कहते हैं कि बाबा जी के पास कोई बाल बच्चे नहीं है, शादी नहीं किए हैं तो करप्शन नहीं करेंगे। जिनके पास बाल बच्चे होते हैं, जिनके पास वो बीबी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो करप्शन पे लीन हो जाते हैं। देखिए वो कहते हैं हम किसके लिए करप्शन करेंगे। देखिए कुर्सी का जो नशा है ना, चाहे वो किसी को बाल बच्चे हो या ना हो, लेकिन जो एक ये नशा होता है ना, ये ऐसा नशा होता है कि इसमें जो है आप बाल बच्चे या ये सब, इसमें तो प्रभाव, अपना प्रभाव दिखाना होता है कि आप एक राजा बन चुके हो और प्रजा पे आप, जिन्होंने जिस प्रजा ने आपको राजा बनाया है उस वो प्रजा ही आपके राज्य में दुखी। आप राजा नहीं, आप एक तरह से इतने अत्याचार बन चुके हो कि सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदू मुस्लिम मार काट जोड़ तोड़, गर्मी सर्दी आपको ये सब, जैसे अभी एक पीछे उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम शिमला बना देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, तो ये एक योगी को शोभा नहीं देता। एक महिला हैं यूपी को, आप इनके जो कानून व्यवस्था है उसको कैसे देखते हैं महिला सुरक्षा के नाम पे? क्योंकि अभी जो अमित शाह कहे थे अभी कुछ दिन पहले कहे थे कि योगी राज में महिलाएं, यूपी की महिलाएं बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आधी रात को भी गहने लाद कर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी जा सकती हैं। आपको लगता है ऐसा? आपने सारा ये जो सवाल मुझसे किया है, आपको खुद लगता है ऐसा कि ये है? रात के 11 बजे जो हिंदू धर्म हमारे आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो है शाम को एक बेटी को जला दिया जाता है, उसके सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं और लोग अगर जो उनकी आवाज उठाने जाते हैं उन पे लाठियां चलवाई जाती है, तो ये कहां सुरक्षित है? 50 साल की महिला का रेप हो रहा है, तो महिलाएं भी नाराज हैं। हाँ सब नाराज हैं, गैस सिलेंडर महंगे कर दिए, हर तरीके से नाराज हैं, महंगाई इतनी कर दी, महिलाओं से अपना घर नहीं चल पा रहा है, समाज में कहाँ सुरक्षित है? हमें तो डर लगता है भैया निकलते हुए, हम तो हाँ सरकार बदल रही है। हाँ बिल्कुल बदलेंगे। ताऊ क्या कहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? भाई गठबंधन का लग रहा है, हाँ मूड बना लिए हैं। अरे भाई अभी 3-4 दिन का समय है, रातों रात भी बाजी पलट सकती है, मूड तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं कोई आया और मूड आपका किस वजह से बदलेंगे हम मूड? राशन तो मिल रहा है, राशन किसान है, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उस राशन से पूरा पट जाएगा, वो राशन कितना काम चला है। अच्छा जो किसानों पूरी होगी हमारी, दूसरी जरूरत तो है ना हर किसी के पास, वो कैसे पूरी होंगे? किसानों के अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं उससे खुश हैं? 2000 रुपए में यूरिया कट नहीं आता भाई। हाँ क्या कह रहे हैं? 2000 रुपए में डाई यूरिया नहीं आती है, कैसे खुश हैं? युवा बेरोजगार घूम रहे 3 साल हो गए, कोई भर्ती है? योगी जी वहाँ बैठ के भाषण देते हैं, इनको मैंने यो बदलाव कर दिया, वो बदलाव कर दिया, क्या बदलाव करा? योगी जी तो कह रहे हैं कि जिसके पास योग्यता है वो नौकरी कर सकते हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा था, 7 साल हो गए हमारे जो सीएम है ये योगी जी, कहाँ फिर 14 करोड़ नौकरी दिखा दो, नौकरी नहीं कहाँ है? कहने के हिसाब से वो फेल हैं। हाँ फेल हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो पहले नौकरियां निकलती थी लोग घुस दे के करप्शन करके वो लोग पोस्ट ले लेते थे, लेकिन अब करप्शन फ्री तरीके से भर्तियां हो रही है। करप्शन फ्री का क्या मतलब रहेगा? जब नौकरी नहीं रही, जब भी आँख से खोलना, कभी एयरपोर्ट बेच दिया, कभी रेल बेच दी, अब देश बिकना रह रहा, ये भी बिक जाएगा। RLD सरकार
वो तो वैकेंसी निकाल रहे हैं, खाली वैकेंसी चली जा रही है, कह रहे हैं योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। वैकेंसी आने से पहले कोरोना काल लगा देंगे, पहले से यही बात चल रही है। खेत मर्दी का गंडार, हाथों हार का झंडा, इससे ऊपर कुछ नहीं। चौधरी मोड़ना आ रहे, कल को आके देख लियो भाई, आर एल डी आओगी और कुछ नहीं आना। मुझे अपना करो, कौन बनेगा? आर एल डी बनेगी। तो युवा बीजेपी से नाराज? हाँ बिल्कुल क्लियर। जयंत कर लट्ठी क्यों मारी? हम तो नुकार पूछ रहे चौधरी साहब, क्या सोच के हमारी थी बताओ। अच्छा, इस बार पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पूरा उत्तर प्रदेश में आरएलडी का 13 महीने ट्रेनिंग कर गए भाई बॉर्डर पे। आपको सब सबको याद है कहाँ वोट जाएगी, कैसा होगा? वे 700 किसान मरे, किसी ने ट्वीट करके पूछा? बल्कि मोदी जी यो कह देता भाई मेरी 70 का मरे, कहा था नहीं लखीमपुर में वहां से किसान मार दिए गाड़ी चढ़ा के। ये क्या मतलब, नेताओं के काम है? जो अपने पद पर जुगे तो है आज भी, ये सब तो पुरानी बात हो गई ना, पुरानी और नवी का क्या? और बात रही गर्मी काटने की, जट्टों का खून इतना गर्म है, गर्मी कहाँ से निकट जाएगी? वो तो कह रहे हैं कि मई जून में भी शिमला बना देंगे। कोई बात नहीं, 10 तारीख में गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में अपनी भागे ना, तो हम जनवरी फरवरी में भी गर्मी ला देंगे। चलो भाई, क्या कहेंगे आप? बदलाव के लिए जनता तैयार है। 10 मार्च को जो परिणाम आएगा, 300+ सीटें जो है, 300+ सीटें जो है गठबंधन सरकार की आएंगी। गठबंधन की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। आइए बताइए, इधर आजिए, क्या कहेंगे इसकी? अब की बार किसकी सरकार बन रही है? अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी। इनके झूठ से भाजपा के, योगी और मोदी के झूठ से जनता परेशान हो चुकी। यहाँ मुजफ्फरनगर में भाईचारा स्थापित हो चुका, चाहे रोज पंपलेट योगी बांटे, चाहे रोज मोदी बांटे, चाहे अमित शाह बांटे, यहाँ भाईचारा कायम हो चुका मुजफ्फरनगर। इनका हथकंडा अब हिंदू मुस्लिम का चलने वाला नहीं है, और यहाँ 6 की 6 सीट गठबंधन जीत के जा। आपको नहीं लगता कि सरकार बदलेगी? तो वो कह रहे हैं कि पिछली बार की जो पहले की जो समय था वो याद करो। उनका इशारा मुजफ्फरनगर उनका उनका इशारा ही तो बता रहा मैं रोज यहाँ ड्रामा करो, यहाँ भाईचारा कायम होकर वो कामयाब हो रहेगा, भाईचारा स्थापित होगा यहाँ। ये रोज करो हिंदू मुस्लिम की बात, इनकी बात भाजपा वाले कोई मानने को तैयार नहीं है। मतलब उधर नहीं जाएंगे आप? नहीं जाएंगे, सब गठबंधन में रहेंगे। मोदी जी और अमित शाह रोज पर्चे बांटे, उसके बकाए में कोई नहीं आ रहा है। डीजल पता क्या भाव है? जिस दिन सरकार आई क्या भाव था? गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपए का, पेट्रोल आज 100 रुपए का, डीजल 100 रुपए का, खाद का कट्टा के रेट तो दिए बढ़ा, और 5 किलो की चोरी कर ली, चोरी भी तो कर ली, 5 किलो की चोरी कर लिया। और नू कह रहे किसान वोट दे देगा, 13 महीने किसान वहां बैठे रहा, 750 किसान शहीद हो गए, और ये उम्मीद कर रहे किसान वोट दे देगा। इन्हें कोई किसान वोट देने को तैयार नहीं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, छत्तीस बिरादरियों का हो, जो किसान है वो गठबंधन के साथ है। गठबंधन का मूड बना लिया। क्या कहेंगे आप, किस तरफ आपका मन जा रहा है? चंदन चौहान जिंदाबाद, आरएलडी जिंदाबाद। सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार हमारी आरएलडी की बनेगी। अच्छा, गठबंधन की बनेगी। हाँ, तो आप योगी जी से? 13 महीने हमें याद है, 13 महीने एक ही बात आप लोग बोल रहे हैं। 13 महीने यार, 750 किसान एक गाँव बसता है, 750 से अरे एक गाँव हमारा खत्म हो गया किसानों का, तो भूल थोड़ा जाएंगे हम? नहीं बोलेंगे। अच्छा, याद रहेगा चुनाव तक? बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, क्या कहेंगे आप? अच्छा, आप इधर आइए, आपसे कुछ सवाल करने, इधर आइए तो सही। ये बताइए, राशन मिल रहा है आपको? मिल रहा। हाँ मिल रहा। फिर भी आप वोट नहीं देंगे? नहीं। क्यों? राशन ले रहे हैं, वोट नहीं देंगे? नहीं। ठीक है। अच्छा, और क्या उम्मीदें थी योगी जी नहीं कर पाए? कुछ नहीं हूँ मैं, उम्मीदें बहुत ही नहीं ना, कुछ नहीं कर रहे हो? अच्छा, बदल देंगे सर? बदल देंगे। ये देखो क्या कहेंगे बताओ, आप बताइए क्या कहेंगे? सरकार की गली नहीं बनाई योगी ने? गली नहीं बनाई? हाँ, जाके देखो, इतना पानी खड़ा है। चलो फोटो दिखाते हैं, चलो फोटो दिखाते हैं, बुरी हालत है हमारी। गन्ने का तो मारा गोली, हमारे घर के आगे ये गली में सारे चिक्कड़ है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? कोई नहीं, कोई क्या कह रहे हैं? किसकी सरकार बना रहे हैं भाई? चंदन जी की तरह महीना तो आरएनडी की सरकार बनेगी। क्यों नाराज योगी जी? नाराज काम कर क्यों?
क्यों कौन से काम कर दिए? कौन से कर रखा है बताओ? टैंकर खुले छोड़ बताओ, वो तो कह रहे हैं ना फ्री राशन दे रहे हैं, गैस कनेक्शन दे रहे हैं, गैस कनेक्शन दे रहे हैं, इतने बढ़िया हाईवे बना दिए करें। अरे हाईवे कर सकते हैं क्या? किसानों को तो तुमने खा लिया, दाल जाके देखियो कितने डंगर है, तो किसान क्यों खा लिए सारे? इन्हें खा ले बताओ, मुख्यमंत्री कोई चट्टेगा क्या किसान? एक बताओ, किसान की पैदा नहीं होगी, गेहूं नहीं पैदा होगी और चावल नहीं पैदा होगा तो जनता क्या खाएगी? आप क्या खाओगे? आप क्या खाओगे? अगर किसान के खेत में पैदा नहीं होगा आप क्या खाओगे? तो वो तो कह रहे हैं ना किसानों के क्या खा, अच्छा वो कहाँ से देंगे? नहीं जब पैदा नहीं करेंगे क्या पैदा ही ना होगा तो कहाँ से देंगे? ये बताओ बताओ, जब यो डंगर आवारा छोड़ रखे और यो फसल को खा जाएंगे, ना तो किसान को मिलने का और ना जनता को मिलने का, कहाँ से खावेगा, कहाँ से ना जावेगा? बताओ, तो आपको लगता है सरकार बदल जाएगी ये सुविधा आपके लिए? आप लोग देखो आने वाली की सरकार नवी उम्मीद तो ये। अच्छा जब पहले भाजपा को लाए थे किस लिए लाए थे? इसीलिए लाए थे कि सरकार बदलेगी, किसान का कुछ बड़ा होगा, ठीक। तो वो उन्होंने तो उससे भी ज्यादा कर दिया। जब सिलेंडर 400 का था इन्होंने सिर पर ठा लिया था नुको, और मोदी जी भी कह रहे थे जब वोट करने जाओगे तो सिलेंडर को मत्था टेक के जाइयो। आज 1000 का था, आज नहीं मत्था टेक के जाएंगे। अच्छा तो इस बार भी मत्था टेक? हाँ मत्था टेकेंगे, सिलेंडर को पहले मत्था टेकेंगे। अच्छा हाँ, और फिर जाएंगे जाएंगे वोट करने। हम तो सबको कह रहे इधर मत्था टेक के जाएंगे। क्या मत्था टेक के जाएंगे? सिलेंडर को थोड़ी टेकेंगे, मोदी के पिताजी को टेकेंगे जो फिर रहे। अच्छा कितने फिर रहे हैं मोदी जी के पिता और माता बहन? आपका आप किस साइड इशारा कर रहे हैं? हम तो जिस पर फड़े हैं उस पर फिर रहे हैं, जिसके साथ अब नलके पे। ये तो मोदी जी के पिता फिर रहे ना, अब तो इन्हें टेकना पड़ रहा। क्यों जो फसल हो रही है मोदी जी के पिताजी खा ले? जनता विकास चाहती है हर 5 साल। नहीं जो फसल हो रही वो तो मोदी जी के पिता खा गए, हम रह गए चौड़े में खर्चा लगा गए। खर्चा लगा के हाँ? अच्छा वो तो क्या करें आप, खत्म हो गया खर्चा करके पीछे हट गए। तो मोदी योगी जी खा गए जानवर खा के देखो, हमारे यहाँ आके देखो किसानों को पट हो गए, इतने डंगर है, गन्ने की फसल का नाश कर दिया। बताओ हमारे यहाँ गन्ना गन्ना होता है इस खतर में, अगर हमारा गन्ना भी ना होगा तो हम कहाँ से खाएंगे, ये बच्चे कहाँ से जाएंगे? रास्ता को दूसरी बात ठेके खुल गए, ये बच्चे घूम रहे, दिखाइयो जरा, ये सब ऐसे ही घूम रहे। अच्छा ये देखो हाँ। स्कूल बंद पड़े 2 साल से हाँ। और स्कूल वाले फीस ले रहे हैं हाँ। फीस जमा करवा रहे हैं तो और पढ़ाई को वो तो कोरोना की वजह से बंद है। ठेके में कोरोना नहीं है क्या? ठेके जब इनकी रैली होती है 500-5 लाख की, जब कोरोना नहीं है? कोरोना इन्हें बता इनका नाश हो गया, कोरोना इन्हें बता के थोड़ी आगे रात को 10 बजे के बाद ही कोरोना आएगा कि रात को लॉकडाउन कर दो। कोरोना तो दिन में भी आता है ना, अगर आता है तो किसकी सरकार बना रहे हैं? आरएलडी गठबंधन है जी। अरे बहुत सारी तमाम पार्टियां हैं, आरएलडी की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? किसान की पार्टी है, किसानों की पार्टी। उनके दादाजी किसानों के थे, इनके पिताजी थे जयंत जी के किसान से, और आगे ये भी किसानों के बाबत सोचेंगे करेंगे, सोचेंगे नहीं किसानों के बाबत सब कुछ करेंगे। जयंत जी के साथ हैं। अच्छा हाँ जी, चलिए तो दोस्तों ये जो आप सुन रहे थे ये लोग हैं, ये जमीनी लोग हैं, ये किसान हैं, कहीं ना कहीं ये अभी भी नाराज़ हैं। जो इससे पहले 13 महीने तक लंबा आंदोलन चला था, किसान आंदोलन जो चला था, उसका ये दुख इनको अभी भी है कि ये 700-750 अपने किसानों को खो चुके हैं। ये दर्द इस बार के चुनाव में दिख सकता है, कहीं न कहीं इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल क्या होगा ये तो आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल यहाँ से इतना ही, तब तक हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं किसी नए मोड़ पे। नमस्कार।